हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तोशिका गिरिश है और आज मैं आप सभी के साथ मेरा 10 दिन का विपसना का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैंने 17 जनवरी से 28 जनवरी के बीच भोपाल के विपसना सेंटर में अपना विपसना कोर्स कंप्लीट करा और मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानती हूँ कि मुझे विपसना से जुड़ने का मौका मिला, विपसना कोर्स करने का मौका मिला और आज मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगी। मैंने पहले भी विपसना के ऊपर दो और वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताई है अपने विपसना की जर्नी और विपसना सेंटर का एक टूर, विपसना सेंटर कैसे होते हैं, विपसना सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, और दूसरे वीडियो में मैंने पूरी रजिस्ट्रेशन गाइड बताई है जिसे देख कर आप विपसना कोर्स के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वो आप पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। दोनों वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो विपसना आखिर है क्या, विपसना वर्ड का मतलब क्या है? जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही देखना, वो जैसी लगती है वैसे नहीं बल्कि वो जैसी है उसे वैसे ही देखना, विशेष रूप से देखना, विपसना। हम सभी को क्यों करना चाहिए विपसना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो सिर्फ वही लोग विपसना करें, बल्कि विपसना हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि विपसना एक ऐसी विद्या है जो हमें हेल्प करती है हमारे माइंड को स्ट्रांग करने में, ताकि हमारी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, हम उसे अच्छे से हैंडल कर सकें, उसे फेस कर सकें और हर सिचुएशन का हम अच्छे से सामना कर सकें। मेरे पिछले वीडियोस पे मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स करे थे कि उन्हें डिप्रेशन या एंग्जाइटी है इसीलिए वो विपसना करना चाहते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि विपसना सभी को अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कितनी मैजिकल है ये विद्या। हम सभी के लाइफ में दो सबसे एक्सट्रीम फीलिंग्स होती है, एक तो ये कि लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है, और दूसरा ये कि लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो जाता है। और लाइफ के इन दोनों ही एक्सपीरियंस में सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये है कि हमारा माइंड संतुलन में रहे, हमारा मन समता में बना रहे। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला था कि आज की कंपटीशन भरी लाइफ में हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इवन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग भी बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। और जैसे कि आए दिन हम सुनते ही हैं कि बहुत कम उम्र में लोग डिप्रेशन की वजह से गिवअप कर रहे हैं, या कुछ लोग जो गिवअप ना भी करें और सक्सेसफुल हो भी जाएं लेकिन वो सक्सेसफुल होने के बाद भी अपने सक्सेस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, या तो किसी बुरी संगत में या तो बुरी आदतें जैसे नशे की आदतों में लगकर वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। तो लाइफ के दोनों ही फेस में चाहे हम जो चाहते हैं उसे अचीव ना कर पाए या हम उसे अचीव कर भी पाए, तो हम कह नहीं सकते कि लाइफ में कब कैसा फेस आ जाए। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि हम पहले से प्रिपेयर रहें लाइफ में हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और विपसना में हम ये प्रैक्टिकली करना सीखते हैं कि हम दोनों ही सिचुएशंस को कैसे अच्छे से हैंडल कर पाए। भगवान बुद्ध ने भी इसी मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू निर्वाण प्राप्त करा था। बहुत लोगों को ये लगता है या ये गलतफहमी रहती है कि विपसना बुद्ध संप्रदाय से जुड़ी है, लेकिन विपसना किसी भी जात पात से जुड़ी टेक्निक नहीं है, ये खुद को खुद से जोड़ने की विद्या है, खुद को जानने की विद्या है। होता क्या है विपसना में?
जब आप 10 दिन का रेजिडेंशियल विपसना कोर्स करने जाते हैं तो आपको वहीं पर 10 दिन के लिए रहना होता है। खाने पीने की भी फैसिलिटी वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। पूरे 10 दिन तक आपको वहां पर आर्यमौन, जिसे नोबल साइलेंस भी कहते हैं, उसका पालन करना होता है, जिसमें आप किसी से भी किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप इशारों में भी किसी से बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप आपके टीचर से उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने साथ फोन नहीं रख सकते, बुक्स नहीं रख सकते, किसी भी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकते। ओवरऑल किसी भी प्रकार का आउटसाइड इंटरेक्शन वहाँ पर अलाउ नहीं होता है। विपसना की कोई फीस नहीं होती है। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इस बारे में बताया है कि वहाँ रहना और खाना बिल्कुल फ्री होता है। मुझे बहुत लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि इसके क्या चार्जेस हैं, तो वहाँ कोई चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है। हर रोज़ 10 से 11 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना होता है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ के 10 दिन निकालिए और ये विपसना का कोर्स एक बार ज़रूर कीजिए। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने अपने चैनल पर दो और विपसना से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने बताया है विपसना सेंटर का एक टूर और मेरी विपसना सेंटर की जर्नी, और दूसरे वीडियो में मैंने पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई है, जिसे देखकर आप अपने नियर बाय लोकेशन के अकॉर्डिंग विपसना सेंटर सर्च कर सकते हैं और कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर आपको दोनों वीडियोस देखनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दी है, आप वो दोनों वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ज़रूर चाहिए विपसना। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो विपसना से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को विपसना ज्वाइन करना चाहिए तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। सबका मंगल हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। Namaste Kari Hansa Namaste Kari Hansa